हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे कमाल की थीम के बारे में MI Band 4 की, जिसको देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि एक बार तो इसे अप्लाई करना ही चाहिए। तो आज की बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल की थीम के बारे में, जिसको आप अपने MI Band 4 में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसका जो फर्मवेयर है और रिसोर्स है उसे अपडेट कर सकते हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको दूंगा जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि क्या थीम दी है यार। तो इस बने रहना इस वीडियो के साथ एंड तक। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम हर वीडियो के अंदर एक गिव अवे रखते हैं 100 रुपीज़ के अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड का, तो इस वीडियो में भी हम वो रखने वाले हैं। उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी जो फैमिली है उसका पार्ट बनना होगा। दूसरा काम आपको करना होगा वीडियो को लाइक करना होगा, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको दोस्तों एक कमेंट करना होगा, एक सिंगल कमेंट कर देना होगा। दोस्तों 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे जब इस वीडियो पर, तो हम कर देंगे विनर का अनाउंसमेंट। और जो विनर का अनाउंसमेंट होगा दोस्तों वो होगा रैंडम कमेंट पिकर से। आप हमारा कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर जितने भी अभी तक गिव अवेज हुए हैं उनके सारे ही विनर्स के नाम वहाँ पर दिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ़ उठाते रहें। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपनी MI Band 4 के अंदर थीम लगाने के लिए आपको एक ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफाइन एंड फिटनेस ऐप दोस्तों इसका नाम है। तो मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इससे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ से सिंपली जो बैक वाला बटन है उसे दबा देना है। फिर यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर की साइड, आपको इन पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको दोस्तों, आपको किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है। आपको जाना है नीचे, और नीचे जाके यहाँ अपडेट जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ जितनी भी फाइल्स होगी अपने फ़ोन की वो सारी शो होने लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दूंगा। यहाँ पर आप देखिए, एक रिसोर्स की फ़ाइल होगी, फर्मवेयर की फ़ाइल होगी, और एक दोस्तों आपका जो थीम है गूगल वाली उसकी फ़ाइल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना फर्मवेयर और रिसोर्स अपडेट करना होगा। उन दोनों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कैसे करना होता है, आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रिसोर्स एंड फर्मवेयर अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपनी जो गूगल वाली फ़ाइल होगी, थीम वाली मेन फाइल, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अल्टरनेट मेथड पहला वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको स्टार्ट अपडेट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर आपको ये 100% होने लग जाएगा। जब 100% हो जाएगा तो थोड़ी देर वेट कर लेना आप। उसके बाद दोस्तों आपका जो MI Band 4 है वो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा, और आपकी जो न्यू थीम है गूगल वाली वो लग जाएगी, और गूगल के सारे ही जो आइकन्स होते हैं जैसे गूगल होम, गूगल वगैरह जितने भी होते हैं, वो सारे ही आपके MI Band 4 के अंदर शो होने लग जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ भी जो कमियां लगी उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। उसके लिए आपको सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम चेक करेंगे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये वीडियो को लाइक कर रखा है, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर एक बार कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।